हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के जरिए ये बताऊंगी कि हम लोगों को एक्स और वाई का जो मान यानी कि वैल्यू निकालनी होती है वो ग्राफ के मेथड से कैसे निकालनी है। ये क्लास टेंथ का थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड चैप्टर का की एक फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपने 3.1 के जो क्वेश्चन है, 3.2 के जो क्वेश्चन है, वो सारे स्टूडेंट्स इसी मेथड से करने होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन को पिक करना है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और हमें यहाँ पर एक इस तरीके से बॉक्स बनाना है जिसके अंदर मैं ये मेंशन करूंगी x और y। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी x की वैल्यू लेट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है, या हमें y की वैल्यू लेट करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूंगी, x की वैल्यू को लेट करूंगी 0। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर पहली वैल्यू आप ले पिक कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो आपको 0 ही लेना है। इससे क्वेश्चन एक तो आसान हो जाता है, दूसरा एक स्टूडेंट के लिए सॉल्व करने के लिए और ज्यादा आसानी रहती है। तो हमने यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखना है स्टूडेंट, 0 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर 3y, अब ये तो 0 हो चुका है, 5 हमारा यहां आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू आ गई है y की 5/3। देन हमें क्या करना है, x इसी इक्वेशन के अंदर हमें y की वैल्यू को लेट करना है यानी कि 0, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर y की जगह हमने लिखा 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ये 5 जो है आपका यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, और अब हम लिखेंगे 5/2। इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज को निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज को यहां पर प्लॉट भी करना है, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रहे आपके पास अभी एक इक्वेशन और है जिसके जरिए आपको एक्स और वैल्यू का की वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आप ऐसे ही सेम प्रीवियस इक्वेशन की तरह यहाँ पर बॉक्स बना देंगे और एक में एक्स लिखेंगे, एक में वाई लिखेंगे। देन हम एक्स की वैल्यू को 0 प्लॉट करेंगे, 0 लेने के बाद प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 4y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है, y का मान आ जाता है, y की वैल्यू आ जाती है 1। अब x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, अब आपको पता लग ही गया होगा कि हमें y की वैल्यू लेट करनी है और x की वैल्यू निकालनी है, x प्लस 4 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने 0 वैल्यू लेनी है, तो हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाती है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली है दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ग्राफ के जरिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे माइनस एक्स, यहां पर पॉजिटिव x। ये छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इस तरीके से माइनस और ये प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहां 0 1 2 3 4, इस तरीके से हम थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि हमारे पास कितनी मैक्सिमम डिजिट है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग ही हम प्लॉट कर सकें। आप ये इंटरवल में भी ले सकते हैं, 2 यहां पर जैसे आपने 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, बट ये ध्यान रहे कि इंटरवल शुड बी सेम, वो आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इंटरवल जो है आपका इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहां पर सारे जो वैल्यूज हैं वो हमने प्लॉट कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, इन पर वैल्यूज पर को प्लॉट करना है। एक्स हमारे पास 0 है तो हम एक्स पर जाएंगे और 0, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/3। अब हम देखेंगे 5/3 लेकिन पॉजिटिव में, पॉजिटिव ये है 5/3 यानी कि 5/3 है। तो सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे, आप इसको इस वैल्यू को डिवाइड करके देख सकते हैं, 3
और यहाँ पर 5 आपने इस तरीके से डिवाइड किया तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो ये वैल्यू है एक्चुअल में प्लॉटिंग किस तरीके से आपको करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं प्लॉट करने के, लेकिन ये जो मैं तरीका आप लोगों को बता रही हूँ ये थोड़ा सा इजी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास 1.6 वैल्यू आ गई है। यहाँ पर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, आप अपने हिसाब से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.6, यानी कि हमारे पास 1.6 है तो ये इस तरफ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ ये 1.6 यानी कि 0 और 1.6 तुरंत आपको इस तरीके से लिख लेना है। देन हमारे पास 5/2 है, सेम हम इस पर भी यही करेंगे, 2 बाहर रखेंगे 5 अंदर और इस तरीके से हम वैल्यूज को लिखेंगे 2.5। अब 2.5 हमारे पास x की तरफ है स्टूडेंट, तो हमें यहां पर जाना है और इस तरीके से वैल्यू को लिखना है 2.5 और 0। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है, राइट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्स था उसकी भी वैल्यूज पिक करनी है और यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 है और y की वैल्यू 1 है, 0 और 1 यानी कि इस तरीके से। दूसरा 4 और 0, 4 यानी कि x की वैल्यू और 0 यानी कि y की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें लिखना है 4, 0 और हम यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से मिला देंगे। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों लाइंस जो हैं, आप इसे स्केल के जरिए भी कर सकते हैं, पेंसिल के जरिए भी कर सकते हैं, ग्राफ पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी कॉपी पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप इसको मिला देंगे इस तरीके से तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि एक तरफ y पर मिलता है और एक तरफ x पर मिलता है। तो दोनों को हमें रीजॉइन करना है और देखना है यहाँ पर वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 से कम है और यहाँ पर 2 से कम है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे ये 1.9 है या 1.9 आपने लिया, x की वैल्यू है 1.9 और y की वैल्यू भी करीब करीब वही है, y की वैल्यू भी 1.9। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू निकाली है ग्राफ के जरिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट जो 10th क्लास में किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाता है, तो बी केयरफुल फॉर दिस क्वेश्चन, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आई गिव इट टू यू इन माई व्हाट्सएप, जो आपको मुझे करके दिखाना है। और जो भी आप लोगों की क्वेरीज रहेंगी गूगल मीट के जरिए जो मैं क्लास आपकी ज्वाइन करूंगी अगेन, आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आपको ये प्रॉब्लम है उसके अंदर, ये चीज समझ नहीं आई है, और मुझे मैसेज करके या कॉल रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज सकते हैं। इसी अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है देन इसी तरीके के 10 क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगी जो आपको मुझे कल तक करके दिखाने हैं। ओके, थैंक यू।